हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही चुका है, मैं आपको बताने वाला हूँ यूट्यूब के नीचे आने वाले पांच ऑप्शन के बारे में। अगर आप यूट्यूब क्रिएटर हैं गाइस, तो आपको पांच ऑप्शन आएंगे। अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर नहीं है फ्रेंड्स, तो आपको सिर्फ चार ऑप्शन ही आएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं इसके बारे में कि इनका क्या यूज़ है। अगर आप यूट्यूब क्रिएटर हैं गाइस, तो आपको पाँचवा ऑप्शन आप ही के काम का है। अदरवाइज़ बाकी लोगों के लिए इसका कोई यूज़ का नहीं है, किसी काम का नहीं है गाइस। बाकी लोगों के लिए, नॉर्मल व्यक्ति के लिए जो सिर्फ वीडियो देखने के लिए आते हैं फ्रेंड्स, उनके लिए सिर्फ चार ही ऑप्शन काम के रहते हैं, चार ही ऑप्शन का यूज रहता है फ्रेंड्स। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। तो पहला है फ्रेंड्स होम बटन, जो कि सिर्फ होम का सिंबल बना हुआ है, होम है, जिसमें कि आप फ्रेंड्स सिर्फ होम में जो भी ब्राउज फीचर के जो वीडियो वगैरह देखते हैं, सिर्फ वही रहते हैं गाइस। अगर आप प्ले लिस्ट में जाते हैं और उसके बाद अगर आप फ्रेंड्स वहाँ पर आना चाहते हैं, डायरेक्ट होम बटन दबाएंगे तो बाहर आ जाएंगे फ्रेंड्स ब्राउज फीचर में। इसके साथ ही फ्रेंड्स उसके बाजू में है शॉर्ट का फ्रेंड, जिससे कि हम आप सिर्फ शॉर्ट वीडियो जो अपलोड किए जाते हैं फ्रेंड्स, आप उन्हें देख सकते हैं। नए नए शॉर्ट वीडियो वगैरह आते रहते हैं, अपलोड होते हैं गाइस, तो उन सब वीडियो को आप शॉर्ट को दबा करके शॉर्ट वीडियो देखा जा सकता है। जैसे कि फ्रेंड टिकटॉक वगैरह में शॉर्ट चलता था, उसी तरह का यूट्यूब ने भी शॉर्ट लॉन्च किया है अपना खुद का, तो आप वो सारे शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं जो कि छोटे छोटे 15 मिनट के 10 मिनट के, मतलब 15 सेकंड 10 सेकंड के रहते हैं फ्रेंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स 1 मिनट के ही हो सकते हैं, उससे ज़्यादा के शॉर्ट में आपको देखने को नहीं मिल पाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स चौथा ऑप्शन है सब्सक्रिप्शन का। जैसा कि गाइस आप लोग किसी के चैनल को सब्सक्राइब करके रखें गाइस, उन लोगों ने अगर अपने चैनल पे कोई कम्युनिटी पोस्ट डाले हैं फ्रेंड, तो आपको वो सारे देखने को मिल सकते हैं जो कि नए सारे आते हैं, नए नए कम्युनिटी पोस्ट डालते हैं फ्रेंड्स, तो वो सारे चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे। आप उन सबको देख सकते हैं गाइस, काफ़ी पुराने देखने हैं तो आप नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे ऊपर, आपको नीचे पुराने कम्युनिटी पोस्ट दिखते रहेंगे फ्रेंड, दिखते रहते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स और चौथा फ्रेंड्स वो है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में जाकर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि आपने कौन कौन से वीडियो वॉच किए फ्रेंड्स, आपको उन सब वीडियो ऊपर में दिख जाएंगे, कौन कौन से वीडियो अभी तक आपने देखे हैं, किन किन वीडियो को आपने लाइक किया है फ्रेंड्स, या फिर कौन से वीडियो आप डाउनलोड करके रखे हैं, आपको उन सब वीडियो देखने को मिल जाएंगे फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स आप अपना चैनल देख सकते हैं, कुछ सेटिंग वगैरह भी देख सकते हैं, अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप वहां से कुछ कर सकते हैं। एक और है फ्रेंड्स जो कि पांचवा, वो फ्रेंड्स सिर्फ वीडियो क्रिएटर को ही मिलता है, वीडियो क्रिएटर है। जैसे कि फ्रेंड्स आप यूट्यूब लाइब्रेरी में जाएंगे, वहां से आप चैनल पे क्लिक करेंगे, वहां से फ्रेंड्स आप अपना एक चैनल ओपन करेंगे फ्रेंड्स, तो आपको पांचवा ऑप्शन मिलता है जो कि बीच में रहता है, वो प्लस का साइन रहता है गाइस, जिससे कि आप उससे अपने यूट्यूब चैनल पे आप शॉर्ट वीडियो अपलोड कर सकते हैं खुद का बना करके फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स सेकंड में आता है जो कि वीडियो अपलोडेड का, जिससे कि फ्रेंड्स आप लंबे वीडियो अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि 1 मिनट से ऊपर का जो भी वीडियो है फ्रेंड्स, वो आप अपलोड वीडियो से अपलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स यूट्यूब पे। और तीसरा फ्रेंड्स जो कि गो लाइव का, अगर आप यूट्यूब पे लाइव करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आप वहां से यूट्यूब पे लाइव आ सकते हैं। अगर आप क्रिएटर हैं तो ही आपको ये पांचवा ऑप्शन मिलता है फ्रेंड्स, जो कि सेंटर में आते हैं। ऐसे देखा जाए तो फ्रेंड्स वो बीच में आता है, तो तीसरा माना जाएगा, मगर वो अगर आप यूट्यूब क्रिएटर हैं फ्रेंड्स तो ही आपको मिलेगा, अदरवाइज़ नॉर्मल व्यक्ति को नहीं मिलता है। उसके लिए आपको यूट्यूब चैनल क्रिएट करना पड़ेगा फ्रेंड्स, और उस पर काफ़ी सारे फीचर्स भी और भी हैं फ्रेंड, जो कि एक यूट्यूब क्रिएटर को ही मिलती है, जो कि कम्युनिटी पोस्ट, जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग यूट्यूब वगैरह देखते रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, उस बीच में आपको कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि किसी तरह का किसी बंदे ने कम्युनिटी पोस्ट डाला है, उसका क्वेश्चन हम करते हैं कि ये सही है वो गलत है, या जो भी फ्रेंड्स कम्युनिटी पोस्ट बंदे ने जो भी डाला है वो आते हैं, आप उसको डालते हैं। अगर आप चाहते हैं फ्रेंड्स कि आप भी को भी ऐसा मिले, आप भी ऐसा कुछ कम्युनिटी पोस्ट डालना चाहते हैं, तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो में जाना होगा और अपने चैनल को
चैनल बनाना पड़ेगा फ्रेंड्स, उसके बाद ही आपको ये सारे ऑप्शन मिलते हैं, आप फिर उससे कम्युनिटी पोस्ट भी डाल सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स कि आप लोग मेरे इस वीडियो से आपको कुछ जानने को मिला होगा, आप जिस चीज़ के लिए आए थे मेरे फ्रेंड मेरे वीडियो पे आपको जानकारी मिली होगी। तो उम्मीद करूँगा फ्रेंड कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, अच्छी लगे तो फ्रेंड्स प्लीज़ इसे अपने दोस्तों का शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप नए हैं, अगर आप पहले से भी देखते हैं तो फ्रेंड्स प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, मेरे अपने भाई को फ्रेंड्स थोड़ा सपोर्ट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पहले बेल आइकन को भी क्लिक करें फ्रेंड्स। और किसी तरह के और वीडियो जानने हो तो किसी और तरह के भी कुछ जानना हो फ्रेंड्स तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अगर अच्छी रही तो फ्रेंड्स, अगर कुछ ज़्यादा जानने को बताने को रहा तो मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं हम आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय हिंद।